हम आपको बिल्कुल ताजे ताजे अमरूद तोड़ के लाते हैं, दिखाते हैं। चलते हैं हम अपने बगीचे में। हाँ, आप कह रहे थे ना कि तो अमरूद की चाट बनाना, चाट बनाना, तो आज हम आपको बिल्कुल फ्रेश अमरूद की चाट बनाते हैं। नमस्ते, उषा रानी की किचन में आपका स्वागत है। देखिए अमरूद का पेड़, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अमरूद लगे हुए हैं। अब हम आपको अमरूद तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, आप दिखाई दे रहे हैं आपको अमरूद, ये देखिए अमरूद, अमरूद इतने। और ये जाल है इसलिए लगाया कि इतने बंदर आते हैं यहाँ, इतने बंदर आते हैं। ये यहाँ तो बहुत लगे हुए थे, कितनों को तो तोड़ के फेंक देते हैं, कुछ खा जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बंदर के, वो खूब कूदते हैं, खेलते हैं। और पेड़ इतना बड़ा हो गया, जाल से भी बाहर निकल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया है पेड़, और बहुत ही मीठे अमरूद हैं। अंदर जाके तोड़िए। हाँ, अब मैं तोड़ती हूँ अमरूद, और आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे अमरूद हैं। देखिए ये कच्चे, ये कच्चे। एक ये रहा अमरूद, बहुत ऊंचा है, कैसे स्टूल लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो ले लेंगे आप। हाँ। अंदर के छोड़ो। अच्छा, एक देखो ये रहा, वहाँ हाथ पहुँचेगा आपका, देखो हाथ पहुँचे तो कैमरा को पकड़ लिया आप, एक और डालिए ना। हम भी देखो, हम भी देखो। अरे वाह, आया देख, इतना पक गया है कि ये झटके से गिर गया। दिखा दो, ये देखिए, ये देखो, ये भी पक गया है। मुझे बहुत जल्दी पक गए, कल तक तो वैसे थे, ये तो थोड़ा खा ही रखा है चिड़ियों ने। देखो वो भी अमरूद, एक हो गया गड़बड़। और देखिए मैं बाहर से ले रहा हूँ फोटो, ठीक है। ये रहे, देखो यहाँ दिख रहे थे ना दो, एक और है, और है दो। हाँ, मैं भी कहीं दिखता रहे थे मुझे। ये देखो कितना अच्छा है, थोड़ा थोड़ा कम पका है, कच्चा है, बहुत ही टेस्टी है। तोड़ती रहो, तोड़ती रहो बस। इधर रहे, अरे नहीं पके, तोड़िए पके पके बस। एक ये रहा, यहाँ दिख रहा था मुझे, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी सर। ये लो, इधर बंद कर दो ना। ये रहे पके, ये और देखिए कहाँ है, देख रही थी, यहाँ दिख रहा है मुझे, ये रहा दिख रहा है, एक आपके पीछे है। एक ये रहा, आपने तोड़ लिया। हाँ, ये रहा, ये देखो कितना बढ़िया बाहर ही दिखाई दे रहा है। और देखिए पके हो, तोड़िएगा पीले 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 बस। अरे तो ये हो गया। हाँ, काफी है चाट के लिए, बहुत है। फिर और पक जाएंगे ना, ये ज्यादा पक जाएंगे, फिर ज्यादा से ये ऐसे होते हैं, तो ये बढ़िया लगते हैं। ये कल तोड़ देंगे वाले। आ जाओ, अब बाहर निकलो। ओ, दोनों आ गए। आज बाहर आ जाओ, नीचे नीचे होके आना पड़ता है कि पेड़ डालियां अटक जाती हैं।
आइए। आहा कितने अमरूद हो गए दिखाना। बोलो बहुत है। हाँ देखिए कितने सारे अमरूद हैं और हर तरीके के, खूब पका भी है और थोड़े कम हैं, कुछ हरे हैं, पर सारे मीठे हैं अमरूद ये खाने में और बहुत ही टेस्टी। बंद करो कि ना चाट बना के दिखाते हैं। हाँ। ये वाला देखो टूटे तो मैंने जाल बंद कर दिया। चलो अब चाट बनाएंगे। अमरूद पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। धोते हैं ना अच्छे से, ये चाट बना के दिखाते हैं। बड़ा आ जाएगा इतने ताजे। हाँ इतने स्वादिष्ट, ऐसे इतने फ्रेश, एकदम टूटे हुए कम मिलते हैं क्योंकि अब घर में हो रहे हैं तो हम ताजे ताजे खाते हैं। और जिन्हें डायबिटीज होती है उनको भी ये बहुत फायदा करता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फाइबर होता है इसमें। आ जाओ आप भी। आ गई, अंदर आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई। देखिए ये सारे अमरूद हम ले आए थे तोड़ के, अब मैंने इसमें से दो बहुत जो सबसे अच्छे पके हुए हैं वो अमरूद रखे हैं और धो लिए हैं अच्छे से खूब, उसकी हम दो की चाट बनाएंगे। और अमरूद हमें पका ही खाना चाहिए, खाली पेट अगर हम पका अमरूद खाएंगे तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है, विटामिन B3, B6 जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदा करती है और एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, ये डायबिटीज़ वाले को भी ये फ़ायदा करता है, तो इसके गुण तो बहुत हैं। पर हाँ कच्चा वाला अमरूद जो है नहीं, कम खाना चाहिए, नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, और एक ही अमरूद खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमरूद नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप दो खा सकते हैं, अगर छोटे अमरूद हैं कुछ है तो दो खा लें। आप काट रहे हैं? हाँ ठीक है आप काटो तब तक। ये है कि फिर इस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ना बहुत ही परफेक्ट बढ़िया रखता है क्योंकि फाइबर की मात्रा बहुत होती है इसमें, और विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, जो कि हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप भी खूब सेवन किए करिए अमरूद का, और कच्चा अमरूद कम खाएं क्योंकि उससे आपके पेट में दर्द हो सकता है या पेट में स्वेलिंग हो सकती है, तो हो सके तो आप लोग पका ही अमरूद खाएं। अब ये डाल रहे हैं चाट मसाला है। काला नमक, ये सब गुणकारी पेट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। काली मिर्च, काला नमक भी पेट के लिए अच्छा होता है डाइजेशन में। काली मिर्च वगैरह ये स्वाद बढ़ाती है। बिल्कुल, मैं नींबू डालूंगी इसमें ऊपर से, इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, विटामिन सी भी हमें खूब मिलेगा। तो बल्ले बल्ले भाव ये है कि ये बहुत फायदे का है अमरूद, हमेशा हमें सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। नहीं अगर खाली ना खाएं पर खाएं, इसे टेस्ट करके देख लें। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, पके अमरूद का भी फायदा और कच्चे का भी, सब चीज़ें बताई हैं। ये बात है, इससे तो नींबू, काले मिर्च बहुत टेस्ट हो आता है ना। हाँ काला नमक, चाट मसाले से तो आनंद आ गया बहुत ज़्यादा। अब आपको पता चल गए हैं अमरूद में कितने गुण होते हैं, इसलिए अपने आहार में इसको जरूर शामिल करिए, हो सके तो जब सीजन में आता है हमेशा खाइए। हर सीजन का फल खाना चाहिए, फल बहुत फायदेमंद होता है हर चीज़ में, आपके डाइजेशन में आपको सारे विटामिन वगैरह मिलेंगे। तो आप जो फल जिस सीजन में आए खाएं, हमने अमरूद का खाए, आजकल अमरूद आ रहे हैं तो आप अमरूद का सेवन करें। हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर लिखिए ताकि हमें पता चलता रहे हमें कमियां खामियां क्या हैं, अच्छाइयां हैं तो क्या अच्छाइयां हैं, प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। फिर आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते, नमस्ते।